पैंडेमिक जो है वो तो एक सिचुएशन है, एक स्थिति है, पर पैंडेमिक खत्म थोड़ी होगा। पैंडेमिक अब हमेशा रहेगा, कोरोना कभी नहीं जाने वाला, ऐसा सरकार ने मान लिया। तो ऐसा ना बोलिए सर, हमें कोचिंग आना है। हाँ कोचिंग है और सरकार ने तो मान लिया कि पैंडेमिक कभी नहीं जाएगा। इसलिए पैंडेमिक अगर खत्म हो जाएगा तो अवसर कैसे मिलेगा, क्योंकि अवसर तो इसी में आया है। सर बहुत गंदा अवसर है सर, ये नहीं पढ़ा जाता सर। तो ट्विटर पे उनको बोल दे सर, हम बच्चों की आंख खराब हो रही है सर, ये अवसर नहीं, ये रफसर है। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट कि सभी परीक्षाएं टाइम पर होंगी, मतलब होंगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो हम उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, और किसी को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो सही कहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो बात खत्म हो गया। अब परीक्षाएं सब होंगी और सारी परीक्षाएं होंगी और किसी को कुछ नहीं होगा। प्रोटेक्शन गाइडलाइंस और रेगुलेशन के अनुसार सब कार्य होगा। जब जज साहब आ सकते हैं, कोर्ट भी बैठ सकते हैं, तो बच्चे क्लास में क्यों नहीं बैठ सकते हैं? सर इसलिए जज साहब के पास सर 3 दिन सैनिटाइजर होगा सर, और वो सैनिटाइज करने वाले सर, हमारे पास कुछ नहीं होगा ये आप मत देखिए, जज साहब बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। इस देश में जज साहब जो बोलते हैं वो सही बोल, और जज साहब वही बोलते उनकी बात फिर कंटेंट ऑफ कोर्ट। होंगे वो। जज साहब झेल रहे हैं कंटेंट ऑफ कोर्ट, सो आई डोंट वांट टू बी said anything against the court, and this is the everything is right. If judge is right, then everything is right. हमारे देश में अब ये चीजें मान्य है, और माननीय न्यायालय ने जो कहा है तो ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर सरकार को तो कुछ कहना है तो न्यायालय है बैठी, सरकार की स्पोक्स पर्सन ही सही, पर न्यायालय ने अपनी बात कही है। इसलिए नो प्रॉब्लम, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, होगा। परीक्षाओं के लिए भी जा रही है, परीक्षाएं होने जा रही है, ठीक है। क्योंकि फ्रीडम है, फ्रीडम है, वी हैव रेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है अभी। मेरे आप वीडियोस देख लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन की जो मैंने देखी। हाँ सर देखा सर, पढ़ लेते सर, हम भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते सर। देयर इज फ्रीडम, बट आई एम एडिंग अ वर्ड, प्लीज नोटिस, देयर इज नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम, देयर इज नो एब्सोल्यूट फ्रीडम। There is freedom, but absolute freedom नहीं है। इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। और आपको ठीक लगता है तो आप परीक्षा दीजिए, नहीं ठीक लगता तो मत दीजिए। परीक्षाएं होंगी तो सरकार को फायदा होगा, क्योंकि जैसे ही परीक्षाएं होंगी नए परीक्षाओं का फॉर्म निकल आएगा। नई परीक्षाओं के फॉर्म के लिए आप फिर से आवेदन करेंगे, हजार हजार रुपए का आवेदन होगा, और लगभग इसी तरीके से 10 लाख 20 लाख करते हुए देश भर में 2 से 3 करोड़ लोग आवेदन करेंगे। 2 से 3 करोड़ आवेदन आएंगे, उससे राजस्व इकट्ठा होगा। राजस्व आना चाहिए चाहे शराब पी कर आना चाहिए, चाहे कैसे भी आना चाहिए। हम कहते हैं कि सोशल वेलफेयर के लिए सरकार व्यवस्था करेगी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट यह बात कहते हैं कि सोशल वेलफेयर के लिए सरकार, ठीक है ना। वेलफेयर सोशल हेल्थ भी होता है, बट इस चीज को इग्नोर करके किया जाएगा, क्योंकि शराब पीना इंजूरियस टू हेल्थ है, ये केवल बोतल के बाहर लिखा है। तंबाकू खाना से कैंसर होता है, ये पर्ची के बाहर लिखा है, पर तंबाकू बिकता है, तंबाकू बिकता है, यही है। अब और क्या कहा जाए, क्यों नहीं बैंड होता? क्योंकि राजस्व घट जाएगा। तो राजस्व ना घट जाए, भले ही लोगों की उम्र घट जाए, भले ही हेल्थ घट जाए, लोग मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैंसर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार सबके हित में सोचने के अलावा राजस्व हित को भी सोचती है, क्योंकि राजस्व रहेगा तो सारी चीजें हो सकेंगी। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट एवरीथिंग इज द राइट, एंड अगर आप जरा समझदार हैं तो आप अपनी प्रोटेक्शन खुद कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमें सेफ रहना है, आप अपनी सरकार की 4 दीवारी में चला जाइए। एवरीबडी शुड बी किंग, एवरीबडी हर व्यक्ति को किंग होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आप किंग हो, आप ही अपने मंत्री हो, आप अपने प्रधानमंत्री हो, अपने परिवार में आप जहां तक आपका क्षेत्रफल लगता है वहां तक आप जो सही समझे वो करें। एज यू सी व्हाट आई डिड एंड व्हाट आई एम डूइंग दैट, मैं भी यही कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना बिल्कुल बाहर फैला हुआ है, सत्य है, बाहर निकलते ही पता चल रहा है कि
दो मकान बगल में गली में, यहाँ कोरोना है वहां कोरोना है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। वेरी हाईली इम्पोर्टेंट स्टेज पे ही बाहर निकलना चाहिए, इससे मैं वैसे ही निकलता हूँ। मैं इस बार परीक्षा नहीं दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परीक्षा देना हमारे लिए अगर जरूरी है और इस परीक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं है तो बिल्कुल परीक्षा, बस इतना चीज है। जो आपको ठीक लगता है वो आप कीजिए। परीक्षा देने के लिए आपको अगर जाना होगा एक दिन भी आप जाइएगा, बाकी रेस्ट डे आप जैसे भी पढ़ सकते हैं, जिस तरीके से पढ़ सकते हैं, अगर फुल प्रोटेक्शन के साथ कोचिंग में आप पढ़ सकते हैं तो आई मीन द कोचिंग आल्सो, और अगर आप इंटरनेट के माध्यम का प्रयोग करना चाहेंगे तो आप इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग करिएगा। मैं जब कोचिंग क्लास चलाऊंगा, जैसा कि मैंने अपना विजन रखा है कि संस्थानों को खोलने का जैसे ही आदेश मिलेगा मैं कोचिंग स्टार्ट करूंगा। कोचिंग स्टार्ट करना मेरा भी उद्देश्य वही है राजस्व के दृष्टिकोण से, क्योंकि ऐसी बात है कई महीनों से कोचिंग संस्थानें बंद है, तो राजस्व के दृष्टिकोण से हम भी ऐसे नहीं कर सकते हैं। सरकार के पास एक बड़ा बैकफुट होता है, पर हमारे पास कोई बैकअप नहीं होता है, जितना बैकअप था बहुत हो चुका है, इसलिए मुझे कोचिंग खोलना एक अनिवार्य आवश्यकता है या अनिवार्य मजबूरी है। आप समझ सकते हैं कि मजबूरी है कोचिंग खोलना, इसलिए कोचिंग खोलेगा। मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास को साथ साथ प्रमोट करूंगा। आप घर पे होंगे तो भी आपके लिए तो पैंडेमिक चल रहा है, मैं ऑनलाइन रहूंगा, यानी आप घर पे चाहें तो घर पे बैठ के क्लास दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ऑफलाइन ओके। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ क्लास, और मैं आज की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक दो इम्पोर्टेंट बातें, एज यूजुअली न्यूज में आप लोगों ने सुना होगा कि कल सरकार ने लिया है और इस पर विचार चल रहा है। ये न्यूज आई है कि एक राष्ट्रीय रिक्रूटमेंट, नेशनल रिक्रूटमेंट काउंसिल डेवलप किया जाएगा। तो जैसे अभी तक एग्जामिनेशन में बड़ी अनियमितता रही है, कई एक बॉडीज कई एक एजेंसियां परीक्षाएं लेती हैं, अब इन एजेंसियों की परीक्षाओं को एक परीक्षा एक एजेंसी करनी जाएगी, जिसके तहत नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी देश में। और ये एजेंसी का मुख्य कार्य होगा सीईटी की परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जहां तक अभी मैंने अध्ययन किया, जहां तक मैंने सुना और जितना मैं समझा हूं, उसके अकॉर्डिंग जो लगभग परीक्षाओं में प्री और मेंस जैसी समस्या रहती है, और एक बार आपका मेंस खराब हुआ फिर छुट्टी देना पड़ता है, इस तरीके की बड़ी अनियमितता रहती है। तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ उस अनियमितता से निदान के दृष्टिकोण से ऐसा किया जाएगा, जिसमें एक बार आपको सीईटी पास कर लेना होगा, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के बाद आप एग्जामिनेशन देंगे। तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि हाँ आपको डबल एग्जामिनेशन प्रीलिम्स मेंस देने से बचा हो सकता है। दूसरी बात, इसमें कई एक परीक्षाओं को मर्ज करा जा सकता है, जैसे एसएससी की एसएलटी की कई परीक्षाओं की जिसमें दो स्तरीय परीक्षाएं होती है, कुछ ऐसे एक सीईटी पास कर लिया तो आप दूसरी परीक्षा में सीधा एंट्री कर लेंगे। तो ये बड़ा थोड़ा अच्छा एक कहा जाए इनोवेटिव सोच आई है गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से। इसमें क्या और प्लान किया जाएगा अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय रिक्रूटमेंट यानी कि कहा जाए तो भर्ती, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो बनाई गई है, ये और क्या लाभ देगा ये इसके लिए तो वेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ एक चीज जरूर पॉजिटिव दिख रही है कि हाँ सीईटी की परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लेने के बाद आपको फिर से कोई प्रीलिम्स नहीं देना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसी सी बात है बच्चा मेहनत करता है, सांसुरी का गेम हो जाता है, इंटरव्यू दिया और सीधा उसके बाद जीरो पे आ गया, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ एटलीस्ट उसने कुछ गेम किया, कुछ अचीव किया है, उसने प्रीलिम्स भी निकाला है या सीईटी क्वालिफाई किया है, तो दैट मींस उसको दोबारा सीईटी ना देना पड़ेगा, मतलब अपना जीएस क्लियर। इस दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छी परीक्षा है हमें लगती है, देखते हैं इसका क्या फैसला और होता है। ठीक है, तो ये एक न्यूज थी जो मैंने शेयर किया। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट की परीक्षा सितंबर में ही लेने के आदेश को अपने यथावत बना रहा है। सर उन्होंने तो कल बोल ही दिया सर कि एग्जाम होगा। बाकी थर्ड ईयर यानी फाइनल ईयर की परीक्षाओं का भी फैसला सुरक्षित रखा है, रिजर्व कर लिया है। जहां तक जब ये एग्जामिनेशन होंगी तो यूजीसी की थर्ड ईयर की फाइनल ईयर की परीक्षाएं भी होने की संभावना है, और फाइनल ईयर की परीक्षाएं यूजीसी ने साफ कह दिया है कि किसी को भी प्रमोट फाइनल ईयर के लिए नहीं किया जाएगा। फाइनल ईयर का मतलब फाइनल ईयर होगा, आपको डिग्री नहीं मिलेगी अगर आप फाइनल नहीं देते हैं, तो ये थोड़ा सा जरूरी है। और मैं समझता हूँ इसमें बीच का रास्ता सरकार को निकालना चाहिए था, मेरी लेकिन ये वाला सही था सर, जितने प्रोफेशनल कोर्सेज है सर उनको एग्जाम देना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर प्रैक्टिस में जब वो आएंगे तो सर कैसे पता चलेगा सर उसके लिए। तो यहाँ पर अपना विजन रखना चाहूंगा, गवर्नमेंट शुड हैव टू डू अ थिंग
रास्ता निकाल सकती है वो ये निकाल सकती है कि जो लोग ऐसा समझते हैं कि वो परीक्षाएं दे सकते हैं क्योंकि परीक्षाओं के लिए कोई पढ़ाई नहीं हुई है, बिना पढ़ाई के परीक्षाएं बड़ी बड़ी ही नुकसानदायक होती है, आप रेगुलर स्कूल नहीं जा पाए, मानसिक रूप से टॉर्चर होते रहे 5 से 6 महीना, ऐसी अस्त व्यस्त की स्थिति रही है। खुद मैं नहीं मतलब मैं इसलिए कहूंगा कि मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूँ, लेकिन मैं भी ठीक से बैठ के प्रिपरेशन बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं कर पा रहा, तो मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर कितना पैनिक रहा होगा। इकोनॉमिक स्थिति सभी घरों की अच्छी नहीं है क्योंकि पूरे देश की इकोनॉमिक अच्छी नहीं है, तो फिर कैसे वो इकोनॉमी अच्छी होगी, केवल फूड एंड फीडिंग ही किसी तरीके से किया गया है, ऐसे सब सिचुएशन में पढ़ाई नहीं हो पाई है। स्कूल्स बंद रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बंद रहे हैं, कोचिंग संस्थानों को बिल्कुल क्लोज कर रखा गया है। आप भले ही कोचिंग संस्थानों को तरजीह मत दें, लेकिन आपके घर के बच्चे कोचिंग संस्थान में आते हैं, कभी पढ़ते हैं, आप ऐसे नहीं कह सकते कोचिंग संस्थानों का कोई मतलब ही नहीं है, परीक्षाएं ले लो। तो स्कूल बंद, कोचिंग संस्थान बंद, परीक्षाएं ले लिया जाए, कैसे ले लिया जा रहा है? फिर भी सरकार अगर चाहती है तो यहाँ पे दो रास्ते निकाल देना चाहिए कि जो परीक्षाएं देना चाहें वो दें और जो ना परीक्षाएं देना चाहें उन्हें फेल नहीं घोषित किया जाएगा, उनका ईयर बैक नहीं माना जाएगा। यानी आप उसको स्टिग्मा नहीं दे रहे कि स्टार लगता है आपका बैक हो गया, बैक की स्टिग्मा नहीं देंगे आप, उन्हें पैंडेमिक की एक सुविधा देंगे। पैंडेमिक का एक मतलब होता है कोई पैंडेमिक चल रहा है, लोग परेशान है और उसमें आप सारे नियम वही नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास सुविधाएं हैं, आप बैठे एसी रूम में है, आपको प्रबंध कार में आ रहे हैं, तो आप जुडिशरी में हो, आपके बाद आप सम्मान है, लेकिन आप उन बच्चों को भी देखिए जो किस तरीके से कैसे परीक्षाओं में आपके एग्जाम में सम्मिलित होंगे, डेली परीक्षाओं में आना, आप तो एक कहावत नहीं कि मुल्ला का अगर वो क्या कहते हैं मस्जिद और क्या कहावत याद नहीं आ रहा है, तो पूरी जाती है घर का तुरंत घर से निकले मस्जिद आ गए, तो उसी हिसाब से आप निकले बंद गाड़ी में और सीधा अपने कोर्ट रूम में पहुंच गए, तो आपके लिए इतनी सी दूरी है और उस दृष्टिकोण से आपने सोसाइटी को देखा और जवाब दे दिया, फैसला सुना दिया। पर बच्चों के लिए सेंटर जाना होगा, एग्जामिनेशन देना, जो सभी अपने घरों में है, सबका घर उसी क्षेत्र में नहीं है कि जहाँ विश्वविद्यालय है, वो ट्रेन से सफर करेंगे, विश्वविद्यालय आएंगे, विश्वविद्यालय आकर के परीक्षाएं देंगे, कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, आना जाना कहाँ तक व्यक्ति प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, सरकार और कोर्ट को मिलकर फैसला लेना चाहिए और बीच का रास्ता निकालना चाहिए, सबके हित के दृष्टिकोण से कार्य करना चाहिए। खैर, मैं अपने क्लास के बिगिनिंग की बात करता हूँ। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, इफ पॉसिबल तो आप लोग अपना वीडियोस ऑन कर दीजिए जिससे कि क्लास करंट सिचुएशन में नजर आए, मुझे दिखाई दे कि आप लोग बैठे हैं और प्रॉपरली प्रिपेयर हैं। आप सब लोग ऑन रखिए अपने वीडियो को, ऑडियो भले ही आप ऑफ कर लीजिए, वीडियोस शुड बी ओपन, यू नो जबी एंड फैजा यू आल्सो इफ यू, सो नाउ कम ऑन, आई विल स्टार्ट अ क्लास एंड क्लास स्टार्ट करने के साथ साथ मैं सबसे पहले टेस्ट को रखूंगा। मैं एनवायरमेंट की यूनिट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैंने एनवायरमेंट की आपको नोट्स अपडेटेड जो है वो भेज दिया था कल रात को ही, तो अब तक सुबह 1 बजे तक आपने उसको अच्छे से याद कर लिया होगा, आपको काफी टाइम मिल गया, बिल्कुल मैंने दिया था ताकि आप ये ना कह सकें 12 घंटे दूसरा समय मिल चुका है, मैंने 1:40 पे भेजा था और इस वक्त 1:41 हो चुका है, 12 घंटे 1 मिनट आपको नोट्स से मिल गया और इससे पहले के नोट्स आपके पास थे, सो आप लोग रेडी रहिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम कृति, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरमेंट टेस्ट, आज की डेट है दैट इज 28 अगस्त, 20 अगस्त लग गई है, पहला क्वेश्चन आपसे है कि वेट किचन वेस्ट जो कहा जाए कचरे पृथक्करण के अंतर्गत प्रश्न है कि जो वेट किचन वेस्ट होता है उसके लिए किस कलर का बिन यानी कूड़ेदान सुनिश्चित किया जाता है।
मतलब वेट के लिए सर ब्लू. हाँ बिल्कुल सही है, ब्लू फॉर द वेट किचन ब्रिज. 2 पॉइंट मिलते हैं. अगला क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि कैटेगरी ई का जो वाटर होता है वो एनवायरनमेंट रिसर्च लैब के अकॉर्डिंग किस पर्पस के लिए प्रयोग किया जा सकता है. कैटेगरी ई का सर नहीं पता. तो आप में से कोई अन्य व्यक्ति जो इसका जवाब देगा, जो भी अन्य जवाब देगा उसे एक एडिशनल मार्क्स. गलत बात सर. सर 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 उद्योग और कृषि क्षेत्र के लिए सर. कौन बोल रहा है, अपना वीडियो ऑन कर दे. सर जबी सर सर खाना खा रहे थे बस सर आ गए. बोला किससे बोलिए जबी फिर से जवाब. यस सर बस सर कर रहे थे. किस लिए फिर से बोलिए, आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आई. कैटेगरी ई का पानी उपयोग किया जा सकता है सर औद्योगिक में सर और इंडस्ट्रियल एरिया में सर और कृषि क्षेत्र में. ठीक है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल कूलिंग है, वेस्ट डिस्पोजल है. सही यस सर सर बोल. ठीक है जब भी कोई अंक एडिशनल अंक जो है वो सबके लिए मिलेगा जो भी जवाब देना चाहे. तीसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में एक में दो एक और एक में जीरो मिला है. तो दूसरा क्वेश्चन आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. भारत स्टेज टू मानक पूरे देश में कब से लागू हुए. समझ नहीं आया. भारत स्टेज टू यूरो टू स्टैंडर्ड ठीक है पूरे देश में कब से लागू हुई. आवाज कट रही है. भारत का स्टेज टू यस टू स्टैंडर्ड पूरे एकदम समझ नहीं आ रहा. नहीं पता किस देश में. समझ नहीं आ रहा सर, आवाज कट रही है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, भारत स्टेज टू पीएस टू स्टैंडर्ड पूरे देश में कब से लागू किया गया. क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया मुझे सर, आवाज बहुत हो रही है, कट रही है. आपको नहीं आ रही. नहीं आ रही सर, कट रही है आवाज. भारत का स्टेज टू के पास समझ नहीं आ रहा मुझे. कब लागू हुआ था. रुकिए मैं नेटवर्क चेंज कर दूं, शायद नेटवर्क इशू. So I am going to change some network. Do you know this answer? April 2005. देखिए ऐसे नहीं पॉइंट्स मिलेंगे, जिनको बोलना है वो अपना नाम देंगे सर हम बताएं, फिर मैं देखूंगा कि वैसे कितने लोग हैं और फिर उसी हिसाब से चांस मिलेगा. अगर एक ही व्यक्ति को पता है तभी तो बेनिफिट मिलेगा, नहीं ऐसे तो अगला कह रहे हैं हमको ही पता था सबको, फिर एक बोनस मिलने लगेगा. तो मैं देखूंगा कि कब बोनस दिया जाएगा. हमेशा नहीं दिया जाएगा बोनस, जब मुझे लगेगा तो मैं बोनस. आप बस अपना नाम बताइए. चलिए तो अप्रैल 2005 से ये लागू हुआ, तो यहाँ पर कृति जो स्पोर्ट्स ओनली 2 अंक 2 मार्क्स आज मिले. जबी नाउ योर टर्न. अरे सर दो ही क्वेश्चन तो हुए अभी. 3 क्वेश्चन हो गए हैं. जब भी आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है जवाब दीजिएगा सर. राष्ट्रीय विकास का लक्ष्य जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं उसके अंतर्गत कितने
टारगेट रखे गए सर, 169 टारगेट, 169 टारगेट सही, 17 गोल, ठीक है, दो अंक मिल गए। सर इसमें एक क्वेश्चन था सर, सर उसमें जो सर इंडिकेटर दिया हुआ है सर 232 और 300 सर जो आपने लिखाया है 304 इसे सर, उसमें सर 232 बहुत से लोग मतलब बुक में भी 232 दिया हुआ है। देखिए इंटरनेट पे मैंने इसको स्टडी किया है, इंटरनेट पे विकिपीडिया पे 304 इंडिकेटर दिखाया सर, तो हमने उसी के हिसाब से इसको पॉइंट किया है। बाकी और किताबों को और मैं नहीं जानता, किताबें बहुत कुछ होती हैं, ठीक है, विकिपीडिया पे सर्च कर लीजिएगा एक बार को। अब हमें उत्तर दीजिए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के वर्तमान चेयरमैन कौन? वर्तमान चेयरमैन कौन? देखिए नहीं, देखने का प्रयास मत करिए, तुरंत ही देख लिया जाए। उत्तर दीजिए सर, क्वेश्चन ही नहीं सर, आवाज ही नहीं सर, पता ही नहीं चला क्या पूछ रहे। वर्तमान चेयरमैन कौन? किसके सर? सीपीसीबी सर, प्रोफेसर सर, आईएएस सर श्री रवि, क्या नाम है, श्री रविशंकर, रविशंकर प्रसाद सर। नहीं, सही जवाब भी कौन कौन बता सकता है सर? हमको भी यही पता है सर, शंकर प्रसाद। और कौन बता सकता है? अनूप बताइए, पता है तो? ऐसा नहीं पता। सुमित्रा, दीपा, फैजा, सही जवाब इसके एसपी सिंह, हाँ एसपी सिंह परिहार। तो सर चेंज हो गया पहले शायद सर, एसपी सिंह परिहार मैंने लिखवाया है ना नोट्स में। सर करेक्शन करना है सर, उसमें श्री रवि शंकर प्रसाद लिखा है। आई थिंक चेंज कराया था मैंने। यस सर, मैंने नहीं लिखा। रवि शंकर प्रसाद चेंज कराया है, तो आपने सही जवाब दिया है रवि। यस सर, एसपी सिंह परिहार बदल दिया था और सर वही है ना सर, रवि शंकर प्रसाद। ठीक है, आपको मिलेंगे दो अंक मिलेंगे। यस सर, ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। आप हमें बताइए मेकुनु नामक तूफान कब आया, ईयर बताना है। कौन सा सर? हुदहुद। मेकुनु सर नहीं पढ़ा सर, अभी नोट भी नहीं देखा।
नोट्स मैंने कल ही भेज दिया था, लास्ट वीडियो में जब मैं पढ़ा रहा था तो इसका पूरा मैटर था, वीडियो सर 4 दिन पहले ही भेज दिया था। टाइप करा करके इसे बना करके आपको भेज दिया है। 2017, 2018, 2019 और 2020 में आए जो प्रमुख तूफान हैं, साइक्लोन्स हैं, उन पर मैंने कयार, आम्फान, ये चारों तूफानों को मैटर तैयार करके 2 पेज में कल रात को ऐड करके भेजा है। आप लोगों ने शायद अभी तक खोला ही नहीं, इसलिए आपको खोला था सर, पढ़ा नहीं है, खोल कर देख लिया, इतना मेहनत करके मैंने टाइप किया, उसके बाद आप लोग उसका उपयोग भी नहीं करते। एक तो टाइप करो इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों भाषा डालना जरूरी रहता है, अभी तुरंत आवाज बुलंद हो जाएगी सर हिंदी में, नहीं आपको समझ में आ रहा है, और इंग्लिश वाले कहेंगे सर इंग्लिश में तो आप देंगे। मैं तो सोचता हूँ कि अब 2 अलग-अलग मीडियम कर, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम बैच, सीधी सीधी बात, हिंदी मीडियम के, हिंदी मीडियम के बच्चे शुद्ध हिंदी बोला जाएगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए शुद्ध इंग्लिश में रहेगा क्लास, पूरी ऐसा रहेगा सर, बेकार है। सर मजा नहीं आएगा सर, सर हम इंग्लिश वाले थोड़ा हिंदी भी तो सर सीखे, और सर जो हिंदी वाले थोड़ा सा सर इंग्लिश सीख ले, सर हम लोग प्योर तो हिंदी इंग्लिश नहीं बोलते ना सर, सब बैलेंस रहता है, तो मजा नहीं आएगा। इसमें एक फायदा होगा ना, प्योर इंग्लिश मीडियम का बैच पूरे इलाहाबाद में कहीं नहीं चल रहा है, मैं चलाऊंगा तो कुछ कुछ कम मीडियम बैच चल रहा है, अभी तो पता चलेगा इंग्लिश मीडियम वाले भी सर है, प्योर इंग्लिश मीडियम का बैच होगा और पूरा नोट्स इंग्लिश में होगा, आपको अलग अलग पेज चाहिए सर, पेज के लिए भी आपको कॉस्ट लगेगी सर, तो सर आप फीस बढ़ा सकते हैं, तो सर मत करिए सर ऐसा, क्या मतलब कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि डबल डबल नोट्स पड़ जाता है एक व्यक्ति पर, इंग्लिश का भी हिंदी का भी, भले देखा जाए तो हमारा डबल नोट्स हो जाएगा, हिंदी का आधा नोट्स हो जाएगा, तो सर आप फीस बढ़ा देंगे सर, फिर सर हम लोग सर नेट निकाल ले फिर बढ़ा दीजिएगा सर, छोड़िए चलिए ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर मेकुनु नामक तूफान 2018 में आया था, ये मैंने आपको नोट से लिखाया था, इसमें आपको मई 2018 से 27 में 2018 चुप करो यार, दीपक कुमार साहू तैयार हो जाइए, दीपक जी बहुत से लोग, दीपक आप बस क्वेश्चन आपके सामने है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य आप समझ गए होंगे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हमने पढ़ाया है कि अंतर्गत बेसलाइन वर्ष कौन सा निर्धारित किया गया है, बेसलाइन वर्ष कौन सा निर्धारित किया गया है, किया गया था हम समझ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य मैंने पढ़ाया है, ये समझ में आया आपको, उसके अंतर्गत एक बेस लाइन वर्ष रखा गया है, बेस लाइन वर्ष जिसे इसका आंसर पता है हाथ उठा दे, 2025 चलिए गलत जवाब है, जबी और अंशु आप दोनों लोग उत्तर दें और कृति आप भी उत्तर दें, लेकिन आप लिख के उत्तर दें, चेक करके उत्तर दीजिए, चेक करके उत्तर, चेक कर सब चैट करके उत्तर दीजिए, लिख कर उत्तर दीजिए, अच्छा 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 सर, जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। बेसलाइन वर्ष, बेसलाइन वर्ष जबी, अरे अभी केवल अदिति यानी कृति ने उत्तर दिया और लोग जबी और अंशु आपके उत्तर नहीं आए, जबी हाँ जबी का उत्तर आ गया और दीपक कुमार साहू तो ठीक है आपका तो पहले गलत जवाब हो गया है, सो यू हैव नीड नॉट टू गिव द आंसर, और अंशु आप भी उत्तर देना चाहते हैं जल्दी दीजिए, आपका उत्तर अभी तक नहीं पहुंचा है, ठीक है
यहाँ पर दो लोगों ने, तीन लोगों ने कहा उत्तर देंगे, जिसमें दो लोगों ने सही उत्तर दिया है, एक ने गलत। आदिति त्रिवेदी 2015 लिखती, जो गलत जवाब है, और जबी ने 1919 लिखा है, और अंशु मिश्रा ने भी 1919 रखा है। तो इसलिए जबी और अंशु को एक एक एडिशनल बोनस पॉइंट मिलेंगे। को दो बोनस पॉइंट, एक बोनस पॉइंट मिलता है। ये ज्यादा ठीक रास्ता है, बीच में कोई बोलेगा नहीं। अब जिससे जिससे टर्न होती है वही उत्तर दिया करेगा, बाकी जिसको जवाब आता है वो लिख कर भेज दे। यानी आप सब लोग उत्तर हर प्रश्न में दे सकते हैं, आपके उत्तर ओपन रहेंगे, चैटिंग के माध्यम से आप उत्तर दीजिए। दीपक, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब दीपक गलत जवाब देंगे तो जिसने उत्तर दिया होगा चैटिंग में, उसका सही जवाब पे उसको बोनस दे दिया जाएगा। ऑलराइट, ये ज्यादा सही तरीका रहेगा। सो चैटिंग इज ओपन फॉर एवरीबॉडी इस क्वेश्चन के लिए भी। नाउ क्वेश्चन इज 2019 में एक भयंकर तूफान जिसकी रफ्तार 240 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई, जिसे कैटेगरी 4 का माना गया, हिंद महासागर में आए इस तूफान को किस नाम से निरूपित किया गया, इसका नाम बताइए। तो ये कौन सा सर जवाब देना है यहाँ पर, जवाब दीजिए दीपक। दीपक जवाब देंगे, बाकी लोग चैटिंग से लिखे उत्तर अगर आपको पता है तो। दीपक पता है आपको? सर पता है सर, याद नहीं आ रहा है। तो फिर नहीं पता है, अगर पता है और याद नहीं आ रहा है तो फिर नहीं पता है, इसको नहीं पता होगा। तो फिर ठीक है, आपको तो उस पर मिलेंगे जीरो। दो क्वेश्चन पर दीपक को मिले जीरो, और यहाँ पर सही जवाब में फैजा जबीन ने उत्तर दिया। कोई और उत्तर देना चाहता है फैजा के अलावा? फैजा के अलावा उत्तर देना चाहते हैं दे दीजिए। जबी दे रहे हैं, अंशु, फैजा, अरे फैजा दे दिया, आदिति, अनु, हाँ आदिति ने भी दिया है सही जवाब, आदिति यानी कृति ने भी सही जवाब दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर दो लोगों ने सही जवाब दिया, फैजा और कृति, दोनों ने कयार साइक्लोन का नाम दिया। यहाँ पे कयार साइक्लोन पे एक एक बोनस मिलता है फैजा को और कृति को। कृति तो ऊपर है, कृति ऑलरेडी खाता है, सिटी को एक बोनस अंक मिल जाएगा। तो प्रीति आपने एक अंक प्राप्त किया, वैसा आपने भी एक अंक प्राप्त किया, और दीपक आपके तीनों प्रश्न हो चुके हैं और आपको मिला है जीरो। नाउ टर्न टू अंशु। अंशु वीडियो ऑन कर लीजिए, आपका टर्न है, और अब आप उत्तर देंगे। और बाकी दो ही प्रश्न हुए हैं, का गलत उत्तर हुआ तो बाकी लोग प्रश्नों का उत्तर चैटिंग से देंगे, और जिसका उत्तर सही होगा उसे हम यहाँ पर एक अंक दे देंगे। सर हमारा दो ही प्रश्न हुए हैं। क्या बोला दीपक? सर हमारे दो प्रश्न हुए, तीन नहीं हुए। अच्छा ठीक है, यस सर, एक प्रश्न और कर लेते हैं। हाँ दीपक आपसे क्वेश्चन है, मेरी आवाज आपको आ रही है तो सुनिए ध्यान से। दो प्रजातियों का ऐसा मिलन जिसमें एक प्रजाति को लाभ और दूसरे को हानि हो, ठीक है? तो ऐसे मिलन
को क्या नाम दिया जाता है? हिंदी में बता सकते हैं, इंग्लिश में भी बता सकते हैं। द इंटरेक्शन अमंग द टू स्पीसीज इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज हार्म, और दूसरे को हानि होता है, और जनरली ऐसी स्पीशीज में जिसमें जिस पर प्रहार होता है उसी ही हानि होता है। मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, तो परजीवी कर दीजिए। बाकी सभी लोग अपने प्रश्नों के उत्तर चैटिंग के द्वारा दे सकते हैं, लाइन सभी के लिए खुली है, चैटिंग के माध्यम से अपना उत्तर देंगे। और दीपक परजीवी अगर आपको पता है या नहीं पता है जवाब दीजिए। परजीवी परजीवी यस सर। दीपक का उत्तर सही है, इसलिए किसी को भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिलहाल इसके दो लोगों ने और उत्तर दिया था, जबी ने भी परजीवी कहा था और फैजा जमी ने भी उत्तर दिया था। सो यहाँ पे पैरासिटिज्म होगा और दीपक ने सही उत्तर दिया, इसलिए दीपक को यहाँ पे मिलेंगे। मैंने दिया पैरासिटिज्म, बट सही जवाब देने की वजह से ये ट्रांसफरेबल नहीं होगा। सो दीपक को दो अंक मिलेंगे। अंगद कैसे हैं आप, ठीक है? अंगद आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, अंगद को आवाज नहीं आ रही है, ओके। चलिए अंशु, अंशु कहाँ है? हाँ ठीक है अंशु, प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या हुआ अंगद, आपको हमारी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? अंगद के साथ वही प्रॉब्लम है, अंगद आपको मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी, आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। कारण है कि आपके में इंस्टॉल नहीं है वॉइस, इसीलिए आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। आपको फिर से पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, आपको पूरा काटना पड़ेगा और फिर से जूम को लॉग इन करना होगा, जिसमें वॉइस यानी ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन करना पड़ेगा। आपने सिर्फ ऑडियो ऑन किया है, इसीलिए आपने सिर्फ वीडियो ऑन किया, ऑडियो नहीं ऑन है, इसलिए आपको मेरी आवाज नहीं आएगी। अंगद मेरी आवाज मेरी समस्या अपना ऑन हो गया है, अंगद आवाज आ रही है? जी सर, जी सर आ रही है। वेरी गुड वेरी गुड। एक किनारे मोबाइल को रख दीजिए, आराम से कहीं कुर्सी हो तो बैठ जाइए, क्लास चल रही है और आराम से अभी क्लास में एडमिट हो जाएंगे, ठीक है? चलिए बैठ जाइए आराम से। अंशु यहाँ पे एक टेस्ट ले रहा हूँ, अंशु से टेस्ट हो रहा है। अंशु आपसे क्वेश्चन है, नेशनल सोलर मिशन जिसे जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन का नाम दिया गया, इसके तहत किस सन तक यानी कब तक, किस ईयर तक 20,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? अंशु उत्तर दीजिए। इस वर्ष तक 20,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है, अंशु जल्दी उत्तर दीजिए। नहीं पता अंशु, 2025 अंशु आप बोल रहे हैं 2025? यस सर। ओके अंशु, 2025 आपका गलत जवाब है। अब सभी लोग जो लोग सही जवाब जानते हो वो लोग चैटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं हाँ 2022 इसका सही जवाब है, पर अंशु आप एक बार गलत जवाब दे चुके हैं। 2022 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सही जवाब में जबी को, कृति को, फैजा को, तीन लोगों को एक एक बोनस अंक मिलेगा। तो पहले अंशु को जीरो मिलेगा और जबी कृति फैजा तीनों लोग हाँ करते हैं। फैजा ऑलरेडी गॉट टू बोनस पॉइंट, गुड। तो
दूसरा क्वेश्चन अंशु आपसे रखा जा रहा है, संपोषणीय विकास लक्ष्य की तिथि की अवधि कब खत्म होगी? हाँ, कब समाप्त होगी? रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। संपोषणीय विकास की अवधि कब समाप्त होगी? 2000 आप लिख दीजिए, जवाब दीजिए लिख के। आपकी आवाज में कंफ्यूजन हो रहा है अंशु, आपका जवाब लिख के चैटिंग करके दीजिए। बाकी सब लोग भी अपने जवाब को चैट कर सकते हैं, अगर अंशु का जवाब गलत हुआ तो सबको बेनिफिट मिलेगा, परंतु सही जवाब दिया है 2030, इसलिए अंशु को ही अंक मिलेंगे और अंशु को 2 अंक मिल जाते हैं। ठीक है अंशु, आप सही जवाब दे रहे हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन अंशु से पूछा जाएगा, लास्ट क्वेश्चन साइक्लोन से पूछा जा रहा है। हाँ अंशु, आप जवाब दीजिए कि उस अमेरिकन अंतरराष्ट्रीय संस्थान का नाम बताइए जो जिसके अनुसार साइक्लोन को श्रेणीकृत किया जाता है, 5 श्रेणियों में बांटा गया है। तो मैं उस स्केल के विषय में जानना चाह रहा हूं जिसे मैंने लगभग हर एक नोट्स में बताया है, फुल फॉर्म बताना है आपको उस स्केल का। आप लोग जो लोग इसका उत्तर जानते हैं वो लिख के भेज सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं, चैट कर दीजिए फटाफट जिनको उत्तर पता है। अंशु चैट करिए फटाफट से, पैसा रवि मेरे पास सही आ चुका है। आप लोगों को सबका चैट तो नहीं दिख रहा है, दूसरों का चैट तो नहीं दिख रहा है? चैट सर दो टाइप का है, एक पर्सनल है और एक एवरीवन है, और एवरीवन वाले अगर हो जाता है सबके पास आ जाता है। अच्छा, तो प्राइवेटली करिए। और ऐसा ही हो रहा है। तो एवरीवन पे मत करिए, आप लोग पर्सनली चैट कीजिए। तो आप सब मैंने सर जितना किया सब पर्सनल ही किया है। अभी देखिए सर, फिर एक आया, फिर एवरीवन पे आ गया। एवरीवन पे कर रहे हो बेटा, तो आई नहीं था सर, ऑलरेडी था इसमें। अंशु आपका जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं है, एसएसजीएस नहीं है, सैफिर सिम्पसन और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ पैसा ने ही सही जवाब दिया है, और एसएसएचएस लिखकर कृति ने एवरीवन वाले में डाला है, तो वो उसने भी जब फुल फॉर्म लिखा तो गलत लिख दिया है, इसलिए वापस इसमें जवाब जाएगा तो सिर्फ पैसा को ही बोनस मिलेगा। परंतु आपको जीरो इसका मिलेगा और पैसा को एक बोनस मिलेगा, पैसा को एक मिल जाता है यहाँ पर। और इस प्रकार से 3 अंक मिलता है अंशु को तक। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन, फैजा, फैजा की बात है। फैजा आप वीडियो ऑन कर दीजिए, कि आपको वीडियो ऑन करना होगा। जी सर। हाँ, और आ जाइए फ्रंट स्क्रीन पर। सर नेटवर्क बहुत खराब आ रहा था, इसी वजह से वीडियो ऑफ किए हुए थे सर। अच्छा, चलिए देख लीजिए अभी हो पा रहा था। हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही है आपकी मुझे? हाँ सर आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जी सर। और
बाकी सब लोगों को पता चल चुका होगा, प्राइवेट पे चैट करिएगा, ग्रुप चैटिंग मत करिएगा, एवरीवन पे मत करिएगा। अगर कोई भी उत्तर लिख रहा है, अगर आपने ग्रुप में भेजा तो फिर आपको बेनिफिट नहीं दूंगा। हाँ ये ध्यान रखिएगा, ग्रुप में बेनिफिट नहीं मिलेगा। अरे आप पहले भेजे तो क्या हो गया। सो आप हमें बताइए कि ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बाद कौन सा मंडल आता है, कौन सा स्फीयर आता है? मेसोस्फीयर सर। सही जवाब दिया और दो अंक मिलेगा यहाँ पर। आप आगे भी जब चल रहे हैं वैसा, अगर आपने ये सही जवाब दिया अगला क्वेश्चन का तो आपको साथ के साथ जबी के साथ बराबरी पे आ जाएंगे। ना दे पाए तो मैं दे दूंगा सर, एक और मिल जाए। सर बहुत पीछे जा रहे हैं। हाँ बहुत पीछे जा रहे हैं। हाँ। कोयले की बेस्ट क्वालिटी कोल को किस नाम से जाना जाता है? एथ्रेसाइट। लिख के दीजिए जवाब जरा। यस सर। लिख के जवाब दीजिए। यस सर दे रहे। एरिसाइट नहीं, एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट है, एंथ्रेसाइट। यस साइड एंथ्रेसाइट। तो इसे सही माना जाए या ना माना जाए? सर सही है। समूह का क्या विचारधारा है? ना माना जाए। अच्छा जवाब आपका परफेक्ट नहीं माना जाएगा। सो ये ध्यान रखिएगा, अब स्पेलिंग सबकी देखी जाए किसी जवाब के साथ, क्योंकि अब अगर एक को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलेगा तो किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलेगा। ठीक है। सो यहाँ पर नहीं मिलेगा, जब यहाँ पर आपको जवाब का इसका पॉइंट नहीं मिलेगा, आपका टोटल बनता है 5 अंक। सर एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन और है? हाँ एक। यस सर। क्वेश्चन और है, वेरी गुड। चलिए आप हमें पैन का फुल फॉर्म लिखकर भेजिए। किसका सर? PAN पैन। और सभी लोग हमें पैन का फुल फॉर्म प्राइवेटली भेजें, जिसका सही होगा उसको बोनस मिलेगा। सर कौन वाला? PAN पैन, मैं लिख दे रहा हूँ पैन। ये पैन जिससे आंखों में जलन होता है, पैन जिससे आंखों में जलन होता है। सर बहुत से लोग खोज रहे हैं सर। खोजने वाला काम ना करिए, टाइम्स अप। फैजा, वो फैजा का जवाब अभी तक आया नहीं है, जल्दी करिए फैजा। एक नंबर सर भेज रहे हैं। जो खोज रहा है वो दिख रहा है, खोजने वाले दिख रहे हैं। अंगद लेटिए मत, बैठ जाइए आराम से, क्लास चल रही है तो क्लास में लेटेंगे नहीं, बैठे रहेंगे। अनम्यूट कर दीजिए, आवाज ओपन कर दीजिए, मोबाइल सामने रख दीजिए। अच्छा सर ठीक है, थोड़ा सा दर्द कर रही है। अच्छा चलिए ऐसी बात, कोई बात। तो जवाब नहीं है अभी तक फैजा, आ गया? सर भेज दिए, देखिए आपने भेजा है। पर रक्साइसिल, रक्साइसिल।
पेरोक्साइड नाइट्रेट, पेरोक्साइड नाइट्रेट सर, एक्सिल नाइट्रेट, हाँ पेरोक्साइड एक्सिल नाइट्रेट्स, आपने सही जवाब भेजा है। फैजल जबीन का जवाब सही है। अदिति आपने गलत जवाब भेजा है तो ठीक है। एंड हाँ यहाँ पे ठीक है, फैजल को सही जवाब का सही है, यानी दो अंक मिलेगा। तो फैजल यू गॉट टू, टोटल टू टू फोर है, सात अंक हो जाते हैं फैजल। और जब भी आप दोनों लोगों का सात का अंक है अभी तक। चलिए अब टर्न बचती है किसकी, यहाँ पर उपस्थित कौन बचा, अनूप, अनूप अनूप बचे, अनूप जी तैयार हो जाइए। विश्व का सबसे बड़ा हरित ग्रह का नाम बताइए। नहीं पता, नहीं पता, लिखिए जवाब। प्रीति ने सही जवाब दिया, जबी ने सही जवाब दिया, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में स्थित, फाइनल हो चुका है, दो लोगों का जवाब सही आया है, कृति एंड जबी, यू गेट वन वन बोनस अंक। जबी वे जबी जबी दोनों को एक एक बोनस अंक मिलेगा। बोनस अंक के साथ जो है जबी आगे निकल गए हैं। फैजा ने भी सही जवाब दिया, हाँ फैजा का भी आ गया है, फैजा भी फिर एक बार एक बोनस अंक के साथ। सर टाइमर लगा दीजिए सर, इतना टाइम बहुत होता है देखने के लिए। क्या चीज है भी? अंदर से टाइम दे दीजिए सर, 5 सेकंड बस। 5 सेकंड, हां 5 सेकंड तो सुनने में लग जाता है सर, 5 सेकंड तो सुनने में लग जाता है, नेटवर्क इतना खराब है। हां भाई नेटवर्क की बात है, चलिए लड़ाई मत करिए। जब कुछ बराबर जाता है तो उसको लगता है कि हमारा नुकसान हो जाए, एकदम बराबरी पर हो गया है। तो अनूप आपसे दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आपने जीरो, कोई जवाब नहीं दिया, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की मौजूदगी की जानकारी कब और किसने दिया? सर नहीं पढ़े हैं सर, हम पढ़े नहीं हैं सर अभी। क्यों नहीं पढ़े, महीना भर से पढ़ा रहा आपको, पढ़ा नहीं आपने, आपके पास है अब ये संभवतः 2-3 दिन में यूनिट के लास्ट पे हम पहुंच जाएंगे, नेक्स्ट वीक तक यूनिट एंड हो जाएगी, और आप पढ़िए सही जवाब लिखिए फटाफट फटाफट, जितनी जल्दी लिखें फटाफट। सही जवाब लिखना पड़ेगा, हाँ गलत लिखेंगे तो नहीं मिलेगा। मुझे सही जवाब अब तक जिन्होंने दिया है, फैजा जबीन, अंशु मिश्रा, दो ही लोगों के सही जवाब जबीन और अंशु मिश्रा। टाइम अप हो रहा है, अब कोई भी सही जवाब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फैजा जबीन एक ध्रुजक पीरियड 1824 का सही उत्तर है, और अंशु ने भी सही जवाब दे दिया, तो इनको भी एक अंक मिलता है। अनूप आपको 0 अंक मिलते हैं। एसिड रेन के अंतर्गत कौन से दो एसिड होते हैं? एसिड रेन के अंतर्गत पाए जाने वाले दो एसिड किसके अंदर सर?
जिनसे एसिड ड्रेन होता है, एसिड ड्रेन में कौन से दो एसिड होते हैं? सर लिखिए, जवाब दीजिए। अनूप आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं, आपको बोलने का टर्न दिया गया। नहीं पता। चलिए, एसिड ड्रेन में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं? ठीक है, दीदी ने, दीदी ने सही जवाब दिया। और लोग जवाब दें या एक ही जवाब है मेरे पास? ठीक है, जबी ने भी दिया है। यहाँ पर मैं लॉक कर रहा हूँ क्योंकि मैं बोलने जा रहा हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पर सही जवाब में मैं आदिति को सही जवाब दूंगा, यानी कृति। और ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड, फैजा भी ठीक जवाब है, जबी भी ठीक जवाब है। जबी, फैजा, इन लोगों को बेनिफिट मिल गया। जबी, कृति, फैजा, जबी एकम, कृति एकम, फैजा एकम, अनु और आपको मिलेंगे जीरो, तो अनु बिल्कुल हो गए जीरो। अब कोई नहीं बचा, अब टोटल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि ये रेस में सबसे आगे कौन निकला। तो दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, छह, तो टोटल यहाँ पर छह अंक कृति के, जबी के पांच, छह, सात, आठ, नौ, नौ अंक जबी, दीपक दो अंक, अंशु बाय ने तीन, चार वो पहले जोड़ लिया गया है, तो चार अंक हो गए अंशु के। पैसा के मिलते हैं टोटल में सात, आठ, नौ, दस, सात, आठ, नौ, दस। गुड, पैसा बाजी मारते हुए दस अंक और अनूप जीरो। तो बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है और पैसा हर हाल में जीत गई है आज का टेस्ट। और वेरी गुड, तो पैसा के लिए क्लैपिंग करें, खोलकर म्यूट खोल के तब क्लैपिंग करें, आवाज नहीं आ रही। तो क्लासेस की आई हुई क्लास ऐसी फीलिंग आई? हाँ यस सर। अच्छा ओके, अंगद आवाज आ रही बेटा हमारी आपको? अंगद आर यू गेटिंग माय वॉइस? आज अंगद काफी दिनों बाद आए हैं, काफी दिन बाद क्या शायद पहली बार लिंक किया है। अंगद अनम्यूट करो, अनम्यूट, आवाज बंद करो, वॉइस बंद है तुम्हारी। हाँ मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, एक बजे से लेकर तीन बजे तक क्लास रहती है, सो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को क्लास में उपस्थित हो जाया करिए। ओके अंगद, मेरी बात सुने आप? चलिए, टेस्ट हो गया। और अंगद कल क्लास में आइएगा, पढ़ के आइएगा, आपसे भी प्रश्न करूंगा। जी सर, क्या मतलब क्या पढ़ना है? एनवायरमेंट पढ़ा रहा हूँ, एनवायरमेंट का नोट्स भी मैंने सबको व्हाट्सएप किया है, आपके भी व्हाट्सएप नंबर पे एनवायरमेंट का नोट्स गया होगा। जो सर भेजे वही पढ़ना है? हाँ बस बस, जो भेजा वही पढ़ना है, मैंने एनवायरमेंट का नोट्स आपको भेजा है सभी को, आप चेक कर लीजिएगा, आपको पर्यावरण के नोट्स पूरे मिले नहीं मिले ये देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, और फिर बाद में आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा शाम को, मैं बता दूंगा आपको और बचा दूंगा। ऑलराइट, चलिए चलिए क्लास आज की शुरू कर रहा हूँ। आप लोगों की स्क्रीन पे शेयर करते हुए आज का जो नोट्स मुझे पढ़ाना है तो जा रहा हूँ।
आपको स्क्रीन पे नोट्स नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है। यस सर। मैंने आप लोगों को किसी को कोई कुछ प्रश्न पूछना है? तो मैंने पूर्व में पढ़ाया था साइक्लोन, उस पर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है, ओपन क्लास है। Ask whatever you want, if you wish, you can ask them. मैं रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दे रहा हूँ ताकि जिनका ये नोट से छूटे वो वीडियो सुन सके बाद में, अगर कोई टेक्निकल इशू होता है वीडियो आपको मिल जाएगा, शाम तक यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। और इसी के साथ मैं सब लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, क्लास बिगिन करने जा रहा हूँ। आप लोग अपनी ओर से सभी लोग अपनी आवाज को म्यूट रखिएगा और कोई प्रश्न होगा तो लेक्चर खत्म होने के बाद पूछिएगा। किया था कि साइक्लोन्स क्या होते हैं, चक्रवात किसे कहते हैं, और आज चक्रवात की अन्य क्षेत्रीय नामों पर चर्चा करूंगा।
जननी बड़े वायु राशियों का जब घेरा आपस में टकराता है, और ये कब होता है? जब मौसम में परिवर्तन होता है। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि मौसम में परिवर्तन के दृष्टिकोण से वायु राशियों में बदलाव आता है, जलवायु और ठंड वायु राशि दोनों आपस में टकराना शुरू करते हैं और चक्रवात का निर्माण होता है। जैसे हिंद महासागर में साइक्लोन से चक्रवात को हम देखते हैं, जो गर्म हवा होती है वो लैंड से यानी कि भूमि से चल करके समुद्र की ओर बढ़ती है, और समुद्र में जो हवा है वो नमीदार हवा होती है यानी सैचुरेटेड एयर होती है, वाष्पित हवा होती है। अब समुद्र के ऊपर की ठंड हवा और भूमि से उठ के चलने वाली हल्की हवा आपस में टकरा, गर्म हवा यानी शुष्क हवा जो भूमि के ऊपर है और ठंड हवा यानी नमीदार हवा, ठंड हवा जो समुद्र के ऊपर है, वो तो दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट है। जनरली होता है कि जो गर्म हवा होती है वो ठंड हवा को में से ड्रॉपलेट्स, वाटर के ड्रॉपलेट्स लेके सैचुरेट होने का प्रयास करती है, तो एक प्रेशर स्टार्ट होता है हाई टू लो की ओर। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में साइक्लोन से आपको बताया था कि जब वायु राशियों का घेरा आपस में टकराता है तो अंदर की ओर लो प्रेशर और बाहर की ओर हाई प्रेशर दिखाई देता है, यानी यहाँ पर अंदर की ओर लो प्रेशर हो जाता है और बाहर की ओर हम हाई प्रेशर देखते हैं। अंदर लो प्रेशर, बाहर हाई प्रेशर, इस प्रकार से वायु राशियों का घेरा घूमना शुरू करता है। पूर्व के वीडियो में साइक्लोन्स के निर्माण में मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार का दो बड़ी वायु राशियों में झगड़ा हो रहा होता है, दो बड़ी वायु राशियों में आपस में एक झगड़े का क्रम चल रहा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी वायु राशि यानी हवा, गर्म हवाएं ठंड हवा से वाटर के ड्रॉपलेट्स को चुराने का प्रयास करते हैं, ऐसी स्थिति में एक कहा जाए घेरा या एक दबाव बनता है। जैसे कोई फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था कि सपोज करें कि मैं पानी को लिया हूँ और सब्जेक्ट हूँ, मैंने मेरे प्यास बुझी हुई है और मेरे पास एक बॉटल है, वाटर की बॉटल लेकर मैं जा रहा हूँ और आप यानी सामने वाला व्यक्ति वो प्यासा है, तो जाहिर सी बात है वो उससे पानी लेना चाहेगा और मैंने उसे पानी देने से मना कर दिया तो वो मुझसे हर हाल में पानी को लेने की कोशिश करेगा यानी मुझ पर दबाव डालेगा। अब मैं इस पानी को बचाने के लिए संकेत होगा, पानी को छिपाना चाहूंगा तो वो मुझसे घेर कर मुझे पानी लेना चाहेगा। इसी प्रकार से तीन चार लोग और हैं, वो सब अगर प्यासे हैं और मेरे पास संतृप्तता है, मेरे पास वाटर है, वो सब मुझसे पानी छीन लेना चाहेंगे, मैं बचना चाहूंगा पूरी तरीके से, मैं उनसे वाटर को छिपाना चाहूंगा, मैं घूमने की प्रक्रिया में हो जाऊंगा यानी मैं नाचने लगूंगा और वो सब कोई मुझे घेर लेंगे, हर तरफ से प्रेशर बनेगा और मैं पूरी घेर में ऐसे नाचने लगूंगा। ठीक ऐसे ही हवाओं का राशियों में भी होता है, यानी हवा की राशियों में यही स्थिति देखने को मिलती है। जब गर्म यानी शुष्क हवाएं वो घेर लेती हैं ठंड हवाओं को और ठंड हवा से वाटर के ड्रॉपलेट्स को ले लेना चाहते हैं, उसमें से नमी को अवशोषित कर लेना चाहते हैं, तो नमी अवशोषित होने के दृष्टिकोण में पानी यानी ठंड हवाएं जो गर्म हवाएं ठंड हवा को घेरने रखती हैं और ठंड हवाएं वो एक भंवर के चलते हैं, कुछ ऐसे भंवर बनने की दृष्टिकोण दिखने लगती है। इस प्रकार से यूं हवाओं का घेरा नाचने लगता है, तो ये साइक्लोन्स का निर्माण करता है, चक्रवात का निर्माण करता है। चक्रवात यानी चक्र में यानी गोले में घूमना, वात यानी वायु राशियां, वात यानी हवा, तो हवा का गोले में घूमना इसे कहेंगे चक्रवात। और ये चक्रवात उत्पन्न होता है समुद्र के और कहा जाए तो भूमि पर भी जब गर्म ठंडे हवाओं का मिलन होता है, मौसम में परिवर्तन से ऐसा होता है। और हमेशा जैसे आप देखिए जून से धीरे मौसम बदलता है, मई में गर्म होती है फिर ठंडक आने लगती है, तो समुद्र की सूर्य की किरणें हर स्थान पे पड़ता है, भूमि पे पड़ता है, समुद्र पे पड़ता है, तो भूमि की वायु वो ज्यादा गर्म हो जाती है जबकि समुद्र की वायु नमीदार वायु होती है, तो जो भूमि की वायु है वो गर्म हाई वायु शुष्क हार वायु होती है और वह समुद्र की ओर चलती है और समुद्र की वायु पर चलना शुरू करता है। जब ऐसा होता है तो समुद्र के पानी में हिलोर शुरू होता है, बड़ी बड़ी लहरें उठना शुरू हो जाती हैं और कोस्टल रीजन यानी कि जो
क्षेत्र पे रहने वाले लोग हैं, किनारों पे रहने वाले लोग हैं, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। अब ये वायु जब तक पूरी तरीके से सैचुरेटेड नहीं हो जाते तब तक ये घूमते घूमते एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है, घूमते घूमते समुद्र से ये वायु का राशि यानी वायु का घेरा कभी कभी भूमि पर और सर भूमि पर भी आ जाता है। तो यही तूफान का रूप ले लेता है और बड़ी तेज हवाएं चल रही होती हैं। हवाओं का ये कहा जाए कि ये भवन जो है वो बड़ी तेज गति से चलना शुरू करता है, इससे जान हानि और माल को नुकसान होना लगता है, जिसे विश्व में अन्य क्षेत्रों में विभिन्न अन्य नामों से बोला जाता है। इससे पूर्व में मैंने आपको बताया था कि साइक्लोन बोला जाता है, चक्रवात बोला जाता है हिंद महासागर के। लेकिन अगर हम अन्य क्षेत्रों में चले जाएं, यानी कि अमेरिका क्षेत्र में चले जाएं, तो इसे ही हरिकेन नाम से बोला जाता है। तो अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर तूफानों को हरिकेन नाम से जाना जाता है। हरिकेन बहुत भयंकर तूफान होते हैं। अब इस प्रकार से देखें तो अमेरिका में प्रमुख रूप से नॉर्थ अमेरिका में हमेशा हर प्रतिवर्ष भयंकर तूफान आने की स्थिति देखी जाती है, जैसा कि भारत में 250 के आसपास के तूफान, लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि 280 से 300 को पार कर जाने वाले तूफान आते हैं। तूफानों के क्रम में बात करें तो 3 सितंबर 2007 में फेलिक्स नामक तूफान यानी हरिकेन आया था अमेरिका में, जिसने 280 किलोमीटर की रफ्तार के साथ भारी भयंकर तूफान भारी भयंकर तबाही मचाई। इसके बाद 18 अगस्त 2007 में डीन नामक तूफान, जिसकी भी गति 280 रिकॉर्ड की गई थी। इसके बाद विल्मा नामक तूफान आया था जो कि 19 अक्टूबर 2005 को था। ये पूर्व में ही आया था, ये हम एक क्रम बता रहे हैं कि अब तक के आए खतरनाक तूफानों के क्रम में हम श्रेणीबद्ध करें तो 295 किलोमीटर की रफ्तार पे आया था। इसके बाद जो तूफान रिकॉर्ड किया गया रीटा, वो भी 2005 में आया 285। कैटरीना नाम का तूफान 2005 में आया 280 किलोमीटर रफ्तार से। और जो सबसे अब तक का खतरनाक हरिकेन आया वो था एलिन, स्ट्रॉन्गेस्ट हरिकेन टिल नाउ, जो 5 अगस्त 1980 को 305 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया तूफान माना जाता है। अब आप समझ सकते हैं हरिकेन कितने खतरनाक हैं। और ये आप हरिकेन पूरी स्थिति में जब वो भूमि पे चलता है तो वो उस आसपास के 300 की गति के रफ्तार पर बड़े बड़े मकानों को धराशाही कर देता है। इसकी इतनी तीव्र गति होती है कि पूरा मकान ही उड़ जाता है। आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक। दूसरे क्षेत्रीय तूफान की बात करें तो प्रशांत महासागर में उपजने वाला ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित करने वाला तूफान टॉर्नेडो की बात करते हैं। टॉर्नेडो जो कि एक शॉर्ट एंड डेंजरस थंडर माना जाता है, यानी अति अल्पकालीन भयंकर आता तो थोड़े समय के लिए, लेकिन जितने समय के लिए आता है बहुत भयंकर तूफान होता है। सभी तूफानों में से सबसे खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है। ये जल व थल दोनों में उत्पन्न होते हैं और इनको नापने के लिए हम सैफिर-सिम्पसन हरिकेन स्केल यानी SSHS जो अमेरिका द्वारा विकसित तूफान को नापने के लिए स्केल है, मापन है, मानक है, उनका प्रयोग नहीं करते, बल्कि इनको जापान द्वारा विकसित फुजिता स्केल द्वारा मापा जाता है। अब आइए बात करते हैं एक अन्य प्रकार के तूफान की, जिसे हम टाइफून कहते हैं। ये भी प्रशांत महासागर में उठने वाली और चीन सागर में चलने वाली चक्रवातों के नाम से इसे जाना जाता है टाइफून। जापान और चीन इस तूफान से सर्वाधिक प्रभावित होते रहते हैं और अब तक का सबसे खतरनाक जो टाइफून आया वो 8 नवंबर 2013 को, और इसका नाम था टाइफून हेयान। और इसकी गति सुनकर नहीं आप इसके रौद्र रूप का कल्पना कर सकते हैं। 314 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा 314 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, बहुत भयंकर तूफान माना गया अब तक आया है। टाइफून हेयान जो विश्व का सबसे खतरनाक तूफान में
यानी 314 किलोमीटर। मैंने अभी आपको यहाँ पर तीन प्रकार की बड़े तूफानों के विषय में वर्णन किया, हरिकेन, टोर्नेडो, टाइफून। ये क्षेत्रीय नाम है भारत में, जिस तरह से हम चक्रवात नाम देते हैं उसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो मैंने जो अभी पढ़ाया इसमें कोई भी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रश्न? नहीं सर। सर इस ये सारी चीज साइक्लोन में ही आएगी ना, बट ये अदर रीजन मतलब किसी रीजन से उठते हैं सर, ये साइक्लोन के सब टाइप्स है ना सर? सब साइक्लोन साइक्लोन इंग्लिश में हम बोल देंगे, बात खत्म। चक्रवात कहाँ बोला जाएगा? भारत में, ठीक है, नाम के साथ। yes. बात यानी वायु का, वायु बड़ा बड़ा वायु, ठीक है, वायु तेरा। और चक्र, चक्र यानी गोले में घूमना, चक्रवात हो गया, ठीक है, ये हो गया भारत में। अब हरी की केन यानी हरी की डंडी चलती, कहाँ चलती है? अमेरिका में चलती, ठीक है, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। वैसे वहाँ हरी नहीं है लेकिन हरी की केन वही चलाते हैं, ठीक है। अमेरिका में जो तूफान आता है उसे हरी केन कहते हैं। टाइफून, टॉर्नेडो आपको जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया इधर प्रभावित करता है। टाइफून ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित करता है और टॉर्नेडो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित करता है, टाइफून जापान और चाइना को प्रभावित करता है। अब आप समझ सकते हैं, जापान बेचारा दुनिया का सबसे ऐसा देश है जिसने हर प्रकार की मार खाई। सर पढ़ाया था जब अभी फुकुशिमा डाइजी न्यूक्लियर पावर प्लांट सुनामी का एक प्रकार से भयंकर प्रकोप था। एक साथ दो प्राकृतिक आपदाएं और एक उनके यहाँ की मतलब एटमिक रिसाव हुई, तीन आपदाएं झेला उसने जापान ने। जिसे मैंने आपको बताया था कि सुनामी आता है 2011 में, सुनामी आया, सुनामी से भयंकर लहरें उठी जो पानी का वेग बढ़ा करके पूरे शहर को, अब सोचिए पूरी तोहोकू प्रांत को, पूरा शहर ही नहीं पूरा प्रांत उनका जापान का, तोहोकू प्रांत पूरा पानी से जलमग्न होने लगा। उसी वक्त भूकंप जमीन पर भी आता है, समुद्र में भी आता है। जमीन पर भूकंप आया, लोग भागे भागे बाहर निकल के आए, भयंकर भूकंप था। भूकंप से बच के सड़क पर आए, सड़क पर पानी है, पानी की लहरें है, गाड़ी उड़ रहा है, लोग उड़े चले जा रहे हैं। ये सब हो ही रहा है कि वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट उन्होंने बना रखा था जो बिजली जनरेट करने के लिए, उसमें बिजली लगी कि क्या बात था, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरी तरीके से ध्वंस हो गया पानी और हवा के बहाव की वजह से। उसमें होने न्यूक्लियर रिएक्शन से रेडिएशन फैल गया और रेडिएशन ये भयंकर रूप से जापान के ऊपर हुआ आपदा है। और जापान सबसे ज्यादा आपदा ग्रस्त दुनिया का है। जापान को उड़ा के रख देता है और इन सब के बाद भी जापान में ही एकमात्र ऐसा देश है न्यूक्लियर बॉम्ब 1945 उसके बाद भी अभ्यास दिखाई देता है। जापान उसके बाद भी सशक्त राष्ट्रों में आता है, अपने आप को मजबूत देश बनाता है और एक विकसित राष्ट्र के रूप में हमारे सामने आज मौजूद। इस सब के बाद अच्छा एग्जांपल है जापान, ठीक है, तो आपने जापान के विषय में बताया। खैर मैं समझता हूँ आपको कोई प्रश्न नहीं होगा। साइक्लोन ने आपको दो तीन पूरा समझा दिया, तो
नाउ पॉइंट नंबर है उन पर चर्चा कर लिया जाए। ये पॉइंट नंबर आपकी स्क्रीन पे मैं खोल रहा हूँ, उसको भी मैं रिकॉर्ड कर और आपके लोगों की आवाज को म्यूट कर दे रहा हूं। एनवायरमेंट के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करूंगा, महत्वपूर्ण पॉइंट्स की चर्चा करूंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इन छोटे छोटे पॉइंट्स पर प्रश्न किए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट चेंज मत दीजिए कि पूरे मैटर का तथ्य निचोड़ कर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बनाए हैं जो इधर 15 साल के जो डीएल के क्वेश्चन है उनके तहत इनको जरूर कंसर्न किया गया है। तो समझेंगे हमको सबसे पहली बात, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण बोर्ड की स्थापना पर प्रश्न पूछा गया और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण इन सेंट्रल गंगा अथॉरिटी बोर्ड की एस्टैब्लिशमेंट होती है। ये गंगा के रखरखाव उसकी गंदगी को निवारण करने के लिए दृष्टिकोण से 1985 में सरकार द्वारा बनाया गया, सरकार द्वारा उठाया गया एक मेजर स्टेप था जिससे गंगा में स्वच्छता, गंगा पानी को दूषित करने से कैसे बचाव किया जाए ये इस पर विचार रखा गया था। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है बृहद राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, इसका निर्माण 1995 में हुआ, ग्रेट नेशनल रिवर प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट। इसका भी उद्देश्य यही था, समान ही था कि जो नदियां हैं देश की, जो इधर बड़ी बड़ी नदियां हैं देश की, गंगा है, कावेरी है, बड़ी बड़ी नदियां, इनकी सुरक्षा किया जाए, इनमें जो प्रिजर्वेशन, इनके दृष्टिकोण से जो गंदगी है, इनके जल को जो गंदगी की जा रही है उसको दूषित होने से रोका जाए, जल की बीओडी देखी जाए, उसमें वाटर में कितना ऑक्सीजन डिसॉल्व है, उस जल के अंतर्गत जो जीव जंतु हैं उनको वैसे प्रिजर्व किया जाए, इन सब चीजों के दृष्टिकोण से ये योजना बनाई। अन्य जो योजना की चर्चा करूंगा वो है हाथी परियोजना, दैट इज इनफैन प्रोजेक्ट। इस परियोजना को प्रारंभ 1992 में किया गया, इसका उद्देश्य हाथियों का संरक्षण और संवर्धन करना था। संरक्षण व संवर्धन, संरक्षण इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से और संवर्धन इनके विकास के दृष्टिकोण से, उनकी प्रजाति को और बढ़ाने के दृष्टिकोण से, उनकी संख्या को बढ़ाने के दृष्टिकोण से। ये देखा गया कि बड़े पैमाने पर देश में हाथियां विलुप्त हो रहे हैं जिसका मुख्य कारण उनके हाथी दांत है और उनकी हड्डियां हैं जिनसे बहुत विशिष्ट तत्व कहा जाए मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं और ऑर्नामेंटल कई ऐसे एस्पेक्ट की वजह से हाथियों के लगातार किलिंग हो रही है। तो इस किलिंग को रोकने के दृष्टिकोण से इस हाथी परियोजना को प्रारंभ किया गया जिसे 1992 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था हाथियों का संरक्षण और उन्हें संवर्धन। यहाँ पे एक बात और बता दूं, एक और परियोजना जो इससे रिलेटेड थी जो 1972 में शुरू किया गया, सॉरी 73 में शुरू किया गया था, जिसे कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, वो है प्रोजेक्ट टाइगर। क्या बात सत्य है कि भारत टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियन टाइगर्स यहाँ काफी पाए जाते हैं थे, लेकिन देखते देखते इनकी कम होने लगी, अब ये गिनती के कुछ बचे रह गए।
ऐसे दृष्टिकोण से 1973 में तत्कालीन सरकार ने योजना बनाई कि टाइगर्स के संरक्षण के लिए एक योजना बनाया जाना चाहिए जिससे भारतीय बाघों के संरक्षण और संवर्धन किया जा सके। इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर की योजना 1973 में शुरू की गई। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना, प्रोजेक्ट टाइगर बहुत बार पूछा गया। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जा सकते हैं। नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स जब चर्चा कर रहा हूँ किसी न किसी क्वेश्चन के रूप में पहले से पूछा जा चुका है और हर 2 से 3 साल 4 साल में देखा जाता है कि इनसे ये दो पॉइंट्स फिर आ जाते हैं। इसी परियोजनाओं के अंतर्गत हांगुल मृग परियोजना की बात करूंगा। इसका शुभारंभ 1970 में हुआ जिसका उद्देश्य यूरोपीय नस्ल के लाल हिरणों का संरक्षण और संवर्धन करना था। तो हांगुल मृग में हांगुल जो है वो एक विशेष प्रकार की डियर होती है, हिरण होती है और इसके संवर्धन और संरक्षण के लिए इसका विकास भारत में किए जाने के दृष्टिकोण से 1970 में यानी आज से 50 साल पहले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है मणिपुर धामिन परियोजना, इसका भी शुभारंभ 1977 में हुआ। मणिपुर धामिन परियोजना मणिपुर में एक विशेष प्रजाति के हिरण जिन्हें धामिन यानी कह सकते हैं कि ये चीते जैसे दिखने वाले धारीदार विशेष प्रजाति के हिरण होते हैं जिसका जिनके संरक्षण के लिए इसको बनाया गया क्योंकि इनका भी बड़े पैमाने पर शिकार हो रहा था, उनकी संख्या घटती जा रही थी। सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 1977 में इस परियोजना की शुरुआत। अन्य परियोजना की बात करें तो गिर शेर परियोजना जो गिर फॉरेस्ट में 1972 में इसे शुरू किया गया। फिर खड़ियाल परियोजना का प्रारंभ 1975 में राइनोसोरस प्रोजेक्ट इसकी शुरुआत होती है। हिम चीता परियोजना जिसे 1987 में शुरू किया गया। लाल पांडा परियोजना की शुरुआत 1996 में हुई। कछुआ संरक्षण एवं घड़ियाल प्रजनन प्रबंध परियोजना का प्रारंभ 1978 में किया गया। इसके अलावा बृहद गैंडा परियोजना का प्रारंभ 1987 में किया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर मैंने आपके साथ चर्चा किया। अब कुछ ऐसे संरक्षण क्षेत्र हैं जिनकी मैं बात करना चाहूंगा जिस पर हमेशा मैन द फॉलोइंग से क्वेश्चन आता है। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षण क्षेत्रों पर प्रश्न आता है तो पेरियार सेंचुरी यानी अभयारण्य ये कहाँ स्थित है इस पर प्रश्न होता है तो ये केरल में स्थित है। मैं आपको बता दूं अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में विशेष अंतर होता है। नेशनल पार्क जिसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं और अभयारण्य जिसे हम सेंचुरीज कहते हैं। अभयारण्य नाम से ही समझ रहे होंगे, सेंचुरीज को पहले समझिए। अभयारण्य जंगल, अभय यानी सुरक्षित किया गया है, संरक्षित किया गया है। अभयारण्य यानी सुरक्षित किया गया, संरक्षित किया गया है। तो ऐसे जंगलों जिनको सुरक्षित किया गया, संरक्षित किया गया, बचाए रखा गया उन्हें अभय, जिनको अभय प्रदान किया जा रहा है उन्हें अभयारण्य कहा गया है। तो भारत में बड़े बड़े जंगल पाए जाते हैं और इन जंगलों को सुरक्षित करने प्रिजर्व करने के लिए बीएसएफ के फोर्स इत्यादि लगा दिया गया ताकि इस जंगल में मानव की गतिविधियां ना हो जिससे कि वहां रहने वाले विशेष प्रजाति का खतरा, उनके खतरे के खतरा, उनका शिकार होने से उन्हें बचाया जा सके। इस प्रकार से जो सरकार ने योजना बनाई इसके तहत जिन जंगलों को सुरक्षा प्रदान किया गया उसे नाम दिया जाएगा अभयारण्य, अभयारण्य, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो यहाँ पे बात है वो ये कि जिन जंगलों में विशेष प्रजातियों को संरक्षित और संवर्धित करने के दृष्टिकोण से विशेष रूप से उनको विकसित करने के लिए परियोजनाएं बनाई गई, जैसे मान लीजिए बड़ा सा जंगल है उस जंगल के अंतर्गत एक स्पेसिफिक जोन सेलेक्ट कर लिया गया जहां पर सभी विशेष प्रकार के जानवरों को लाकर संरक्षित किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा, उन्हें विशेष प्रकार की सुविधाएं दिया जाएगा जिससे उनका कहा जाए संतत विकास हो, जनरेशन बढ़े, उनका प्रिजर्वेशन हो। वहां पर डॉक्टर विशेष रूप से जो जानवर हैं जो बीमार हैं उनको सुरक्षा दिया जाएगा, उन्हें जो जानवर अब बूढ़े हो गए हैं शिकार नहीं कर सकते हैं उन्हें भोजन दिया जाएगा। इस प्रकार से जो रिजर्व एरिया किसी अभयारण्य के अंतर्गत सुरक्षित कर लिया जाता है और विशेष रूप से सरकार द्वारा फोकस किया जाता है, विशेष रूप से उस क्षेत्र में फंड किया जाता है
डॉक्टर्स, दवाई, तमाम प्रकार की भोजन इत्यादि इक्विपमेंट विशिष्ट ग्रह बनाए जाते हैं ऐसे जानवरों को रखने के लिए, उसे नाम दिया जाता है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। अब आप समझ गए होंगे बेहतर रूप से। तो बड़े बड़े जंगल यानी वन में राष्ट्रीय उद्यान विकसित किए जाते हैं जिससे कि उनको सुरक्षित किया जा सके। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाएंगे ये अभयारण्य नेशनल पार्क विकसित हो। भारत में इस प्रकार से ये अभयारण्य और नेशनल पार्क से समय समय पर विकसित होते रहे हैं। अब इन्हीं में कुछ पर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, उन्हीं की चर्चा हम करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि कैसे किस किस इम्पोर्टेंट ऐसे तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट है और इतनी सारी लिस्ट को याद कर पाना बड़ा मुश्किल है, असंभव सा है कि हम 400-500 अभयारण्य और नेशनल पार्क को याद कर सके। तो मैं आपके सामने 7-8 कुछ ऐसे विशेष अभयारण्य नेशनल पार्क जिनको तो कहा जाए विशेष रूप से विकसित किया गया है हाथियों के लिए, मगरमच्छ के लिए, गैंडा की सुरक्षा के लिए, तो उनकी यहाँ पर चर्चा करूंगा। आप इनको समझ लीजिए या कॉपी पेन में नोट करते चलिए जिससे आपको याद में बने रहे, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करूंगा पेरियार अभयारण्य जो केरल में स्थित है, उसके बाद मानस अभयारण्य ये बहुत ज्यादा पूछा गया ये भी असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में, ये सब विशेष फोकस है हाथियों के लिए, चीरू देवमाली क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश व असम में भी विकसित किया गया, करबी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है, राजा जी उद्यान उत्तराखंड में है, अन्नामलाई पारंबिकुलम अभयारण्य यानी सेंचुरी ये तमिलनाडु में स्थित है, ये जो मैंने 8 अभी आपको अभयारण्य बताए ये सारे अभयारण्य एक्चुअली हाथियों के लिए यानी एलिफेंट रिजर्व के दृष्टिकोण से विकसित किया गया है, हाथियों के लिए इन्हें विकसित किया गया है, हाथियों के दृष्टिकोण से इनका विकास किया गया है। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि 8 प्रकार के जो हमारे अभयारण्य हाथी संरक्षण क्षेत्र हैं उनके विषय में चर्चा किया। अब बात करूंगा घड़ियाल व मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र यानी क्रोकोडाइल व डायनासोर रिजर्व एरिया जिनमें विशेष रूप से 4 रिजर्व एरिया की मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले गुंडी नेशनल पार्क, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान जो तमिलनाडु में स्थित है, इसके बाद चंबल वन्य जीव अभयारण्य ये राजस्थान में स्थित है, भितरकनिका वन्य जीव अभयारण्य ये उड़ीसा में स्थित है, और फिर बात करेंगे रात केसका चार्ज वन्य जीव अभयारण्य जो उड़ीसा में स्थित है। तो ये मैंने आपको चारों बताया जो कि मगरमच्छ व घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं गोंडा संरक्षित क्षेत्र हिप्पोपोटामस रिजर्व एरियाज की, जिनमें मानस सेंचुरी बारपेटा असम में स्थित है, फिर काजीरंगा अभयारण्य ये भी कैनेडा से रिलेटेड है, जोरहाट असम जोरहाट में स्थित है, फिर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य ये 24 परगना पश्चिम बंगाल में स्थित है, 24 परगना बड़ा जिला है पश्चिम बंगाल का, देश का भी बहुत बड़े जिलों में आता है, उसमें यहाँ पर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य है। सुंदरबन आपको पता होगा ये एक ऐसा विशेष वन है जहाँ पर विशेष रूप से मैंग्रोव फॉरेस्ट विकसित है, मैंग्रोव फ्रूट्स मैंग्रोव जो मीठा फल होता है उसका विकास किया जाता है, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन का क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल और इसके साथ साथ बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में सुंदरबन बड़े पैमाने पर प्रिजर्व एरिया अभयारण्य बनाया गया वो 24 परगना। इसके बाद जलदा पारा अभयारण्य है जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में स्थित है, ये भी एक फेमस है इस प्रकार से देखें। तो मैंने गोंडा संरक्षित क्षेत्र के 4 आपको रिजर्व एरिया बताए, हाथी के मैंने आपको 7-8 बताए, मगरमच्छ के भी 4 बताए, ये ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करता हूँ आपसे कुछ विशेष फुल फॉर्म जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं फुल फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फुल फॉर्म से बात करूंगा यहाँ पर, तो फुल फॉर्म्स की पॉइंट की बात करते हैं। बेटा मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, आप थोड़ा 10 मिनट बाद में कॉल करूंगा, सब बच्चे सब लोग आ जाएंगे, ठीक है? ओके। सो यहाँ पर मैं बात करूंगा कुछ फुल फॉर्म्स जो अक्सर पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म्स में IEEE ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया, मैंने 15 साल के क्वेश्चन में तो शॉर्टलिस्ट करके कुछ
ज्यादा नहीं केवल 5-6 फुल फॉर्म्स। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि भाई ये देखा गया कि जिन फुल फॉर्म्स को 4-6 बार पूछा गया मे भी उन पर एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि 4-6 बार जब पूछा गया तो इसका मतलब कि वो इम्पोर्टेंट है। IEEP दैट इज इंटरनेशनल एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। इसके बाद SCOPE SCOPE साइंटिफिक कमिटी ऑन प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट, स्कोप फुल फॉर्म। इसके बाद IGBP इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम, और इसके बाद HDGC है ह्यूमन डायमेंशंस ऑफ ग्लोबल चेंज, और इसके बाद IIAS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज, और इसके बाद IDNDR इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। ये बस 6 फुल फॉर्म जिसको मैंने नोटिस किया कि 4-5 बार UGC नेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म IEEE स्कोप SCOPE IGBP HDGC IIAS IDNDR ये फुल फॉर्म्स जैसे लर्न कर लीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की और चर्चा करेंगे। अब जो बिंदु चर्चा करूंगा वो मेडिसिनल प्लांट्स यानी कि औषधियां देने वाले पौधों की बात करूंगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, और ये समझ लीजिए इन पौधों के विषय में जानना आपके व्यक्तिगत व्यक्तिगत लाभ के लिए भी महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो कौन से प्लांट्स कौन से औषधियां देते हैं, तो सबसे पहली बात कुनैन जो है वो मलेरिया की औषधि के लिए प्रयोग किया जाता है, तुलसी जिसे आयुर्वेदिक औषधि माना जाता है, मारगोसा जो त्वचा रोग के लिए प्रयोग किया जाता है, ब्रह्मी जो स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, हल्दी जिसका प्रयोग 3 विशेष बेनिफिट के लिए, पहला ब्लड प्योरिफिकेशन यानी रुधिर शुद्धि के लिए, दूसरा इंटरनल इंजरी यानी किसी प्रकार के अंदरूनी चोट लग गई है तो अंदरूनी चोट के दृष्टिकोण से, और तीसरा खांसी के संबंध में कफिंग हो रहा है तो यहाँ पर हल्दी का प्रयोग 3 क्षेत्र में, रुधिर शुद्धि, अंदरूनी चोट और खांसी। इसके बाद सर्पगंधा सर्पेंट वुड, ये सर्पदंश उच्च रक्तदाब पागलपन की दवाई कई चीजों में इसका उपयोग होता है, मुलैठी जिसे हम लिक्योरिसिस कहते हैं, लिक्योरिसिस गले को साफ करने के लिए फोर्थ पेरिंग में प्रयोग किया जाता है, आंवला एम्बोलिक जिसको हम एम्बोलिक कहते हैं, विटामिन सी का बहुत बड़ा उसमें योग है, और इसमें देखा जाए तो विटामिन सी कितना यूजफुल है, कितना नीडेड है और कितना महत्वपूर्ण इसका उपयोग कहा जा सकता है विटामिन सी का, क्योंकि इस समय हमारी इम्यूनिटी कमजोर है तो ये बात कहा जाता है भाई इम्यूनिटी कमजोर है तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करा जाए, क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसे में विटामिन सी के सोर्सेज में आंवला है महत्वपूर्ण, जिसमें आंवला के अन्य भी गुण है, पहला तो उच्च रक्तदाब यानी हाई ब्लड प्रेशर को कम करना, और इसको पागलपन की दवाई के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे अफीम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओपियम, जो अल्सर दस्त और सल चिकित्सा के लिए उपयोग किया जाता है। फिर बात करूंगा कुचला नक्स वोमिका, जिससे कई फायदे हैं, ये नक्स वोमिका या कुचला कहा जाए, इसके 5 बेनिफिट्स हैं, पहला यकृत यानी लीवर के लिए, दूसरा त्वचा रोग यानी स्किन प्रॉब्लम के लिए, तीसरा पीलिया यानी जॉइंटिस के लिए, चौथा लकवा यानी पैरालिसिस के लिए, पांचवा अल्सर में उपयोग किया जाता है यूज फॉर अल्सर। लास्ट बट नॉट लीस्ट अजवाइन, जिसे हम अम्मी कहते हैं, ये पेट को साफ रखने और स्टमक पर बस और फेफड़े की समस्या यानी ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम के दृष्टिकोण से विकसित या यूज किया जाता है। मैंने अभी आपको बहुत से इंपॉर्टेंट बिंदुओं के विषय में बताया जो एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और UGC नेट के पेपर में इन पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आवाज नहीं आ रही सर, सब लोगों से आप लोग सारे लोग जो है
सारे लोग ऑनलाइन आ जाएं। जो भी मैंने आज पढ़ाया समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? सर ओके, ये जो मैटर आज मैंने पढ़ाया इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग इसके पीडीएफ को देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। कल मैं फिर आगे क्वेश्चंस करूंगा इस, ठीक है? कल फिर 1 बजे मुलाकात होगी, टाइम पर आ जाइए। आप लोग बहुत लेट करते हैं भाई, आधा आधा घंटा आप लोग लगा देते हैं, इधर मेरा लंच का टाइम हो जाता है, बहुत समय चला जाता है, बहुत है 1 से 15 के बीच में क्लास हो जाना चाहिए, ठीक? ओके, तो मैं आपकी क्लास को यहीं पर रोकूंगा, ओके? ऑलराइट, तो चलते हैं फिर, गुड बाय। यस सर, थैंक यू सर। ओके ओके, तो सही है।